5 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो गए हैं। बीते कुछ दिनों से लोग सोशल मीडिया पर इन 2 सालों में क्या कुछ बदला है इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। हमें भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिन्हें लोग शेयर कर यह दावा कर रहे हैं कि एक कश्मीरी पंडित का परिवार अपना घर बनवा रहा है और यह सब कुछ अनुच्छेद 370 खत्म होने के कारण ही संभव हो पाया है। इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोर भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। हम आपको बता दें कि इस फोटो को दिखाकर ही घाटी में एक कश्मीरी पंडित परिवार की वापसी का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसी तस्वीर को साझा करते हुए 26 जुलाई को कश्मीर के बीजेपी नेता एजाज हुसैन ने लिखा था, कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले मेरे दोस्त ने आज बलहामा में अपने घर का भूमि पूजन किया। मैं उनको नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सभी कश्मीरी पंडितों से मेरा निवेदन है कि कश्मीर आएं और यहां सुरक्षित महसूस करें। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया जिन्होंने 370 खत्म करके सुरक्षित माहौल मुहैया कराया। देखते ही देखते इस तस्वीर को खूब शेयर किया जाने लगा और इसके साथ कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि यह कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ही संभव हो पाया है। हमने इस तस्वीर को लेकर पड़ताल शुरू की तो हमें एक राष्ट्रीय हिंदी अखबार की वेबसाइट पर भी इसी तरह की रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी इन्हीं सब बातों को लेकर दावा किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भूमि पूजन करने वाले शख्स का नाम काकाजी भट्ट है और काकाजी के परिवार से कई लोग पलायन कर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पैतृक जमीन किसी को नहीं बेची और आज वह अपना घर इस जमीन पर बनवा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को डाला गया बीज अब अंकुर बनकर फूट रहा है। इस तस्वीर और दावों की सच्चाई जानने के लिए उस शख्स से संपर्क किया गया जो इस तस्वीर में भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका नाम कुक्कुजी भट्ट है और यह श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बलहामा में रहते हैं। कुक्कुजी ने बताया कि वह कश्मीर लौटे ही नहीं हैं, उनका परिवार हमेशा से यहीं रहता है। उनके माता पिता, भाई और उनका परिवार बलहामा में ही हमेशा से रहते आए हैं। वो जियोलॉजी एवं माइनिंग विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, लेकिन इस साल उनका तबादला श्रीनगर में कर दिया गया है, इसीलिए वह अपने पुराने घर की जगह नया घर बनवा रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों लोग मेरे घर के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे। मेरा पुश्तैनी घर 100 साल पुराना था जिसके कई हिस्से जर्जर हो चुके थे, इसीलिए मैंने उसे तोड़कर नया घर बनाने का फैसला लिया। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने 90 के दशक में पलायन नहीं किया तो वापसी का सवाल ही नहीं उठता। अनुच्छेद 370 के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है जबकि हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम पंडित हैं और हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि यह तस्वीरें सही हैं, लेकिन इनके साथ किया जाने वाला दावा गलत है। फोटो का अनुच्छेद 370 खत्म होने से कोई ताल्लुकात नहीं है। यह परिवार हमेशा से ही बलहम में ही रहता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।